हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्ट्रॉन्ग नंबर को हम कैसे फाइंड करें। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग नंबर की डेफिनेशन समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा एक नंबर 6 है और 6 का जो पॉजिटिव डिवाइजर्स है वो 1, 2 एंड 3 होंगे। और ये जो 1, 2, 3 हम इनका एडिशन कर दें तो नंबर के इक्वल हो जा रहा है, तो हम कहेंगे कि 6 हमारा एक स्ट्रॉन्ग नंबर है। तो अगर ऐसा ही कोई नंबर हमें गिवन है और हमें फाइंड करना है कि वो नंबर स्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं, तो आइए इसके लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। तो हमें क्या करना है कि जो डिवाइजर्स हैं उनको ऐड करके रखना है। तो मान लेते हैं कि हमने एक नंबर को यूज़र से इनपुट करा लिया है और उस नंबर को हमें चेक करना है कि वो परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। सो हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन बना लेते हैं परफेक्ट नंबर का, और इस परफेक्ट नंबर में इस एन को पास कर देते हैं। परफेक्ट नंबर फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा हम उसको एक्स वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, और अगर परफेक्ट नंबर वेरिएबल में ट्रू रिटर्न किया है, ट्रू को हम मान लेते हैं कि 1 है, तो हम मानेंगे कि ये परफेक्ट नंबर है, इसलिए हम डिस्प्ले कर देंगे परफेक्ट नंबर। और अदरवाइज हम कहेंगे कि ये नॉट, ये परफेक्ट नंबर नहीं है। फाइन, तो आइए सबसे पहले हम लोग परफेक्ट नंबर का एक कोड लिखते हैं। सो मान लेते हैं कि ये परफेक्ट नंबर का फंक्शन है जिसमें एक वैल्यू पास हुई है एन, जो कि परफेक्ट है कि नहीं हम यहाँ से टेस्ट करेंगे। तो परफेक्ट नंबर को टेस्ट करने के लिए इसके हम डिवाइजर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें एक सम ले लेते हैं और सम को 1 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। हमने सम को 1 से इसलिए इनिशियलाइज किया कि 1 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है किसी भी नंबर की। आप डायरेक्टली 1 से मान लीजिए कि वो नंबर डिविजिबल है, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव नंबर जो होगा वो 1 से डिविजिबल होगा। अब इसके बाद आप क्या कीजिए कि जब तक नंबर आपका 0 ना हो जाए तब तक आप उस नंबर को रिड्यूस करते रहिए, या फिर आप एक काम कीजिए कि आप डिविजिबिलिटी टेस्ट कीजिए, और डिविजिबिलिटी टेस्ट आप इस तरह से कर रहे हैं कि 2 से डिवाइड करना स्टार्ट कर रहे हैं और आपको हाफ तक डिवाइड करना है, क्योंकि किसी भी नंबर का जो डिवाइड करने वाला कोई नंबर होगा तो मिनिमम क्वोशेंट हमारा 2 आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 10 के डिवाइजर्स हम टेस्ट कर रहे हैं तो 10 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट 2 आएगा, लेकिन 5 के बाद किसी भी नंबर से वो डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए हाफ तक ही हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट करना चाहिए। सो व्हाइल आई इक्वल्स टू, व्हाइल की जगह बल्कि हम इसको फॉर लूप ले लेते हैं। फॉर लूप हमें ज़्यादा हेल्प करेगा। फॉर आई इज इक्वल्स टू 2, आई लेस देन और इक्वल टू एन बाई 2 एंड देन आई प्लस प्लस। फाइन, एक काम और करते हैं कि इस नंबर को हम किसी एन नंबर में सेव कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि एक डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए सबसे पहले टेस्ट कर लेते हैं कि अगर हमारा जो नंबर है वो आई से डिवाइड हो जा रहा है, इट मीन्स इफ एन मॉड्यूलस आई इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि आई इसका डिवाइजर है, तो इसको सम में ऐड कर लेते हैं। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। इस तरह से हमने सभी जो डिवाइजर्स हैं उनको सम में ऐड कर लिया है। अगर लास्ट में हमारा जो सम है वो एन के इक्वल हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये परफेक्ट नंबर है और 1 रिटर्न कर देते हैं, अदरवाइज हम 0 रिटर्न कर देते हैं। फाइन, तो एक बहुत ही छोटा सा कोड हमने बना लिया। इनफैक्ट हमें एम की जरूरत नहीं पड़ी, तो एम वेरिएबल को हम यहाँ से हटा देते हैं। तो हमने सम को ले लिया जिसको 1 से इनिशियलाइज किया, इसका मतलब है कि जो डिवाइजर 1 है उसको हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है सम में, और इसके बाद जो भी नंबर डिवाइड करेगा एन को उसको हम सम में ऐड कर लेंगे। तो डिवाइड करने का मतलब क्या है कि एन मॉड्यूलस आई हमारा 0 आ जाएगा। फाइन, तो अगर सम या जो डिवाइजर्स हैं उनका जो सम है वो एन के इक्वल हो जाता है तो वो परफेक्ट नंबर होगा और हम 1 रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हम 0 रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे परफेक्ट नंबर फंक्शन को जो हमने मेन से कॉल किया था उसके अकॉर्डिंग जो परफेक्ट नंबर हमने मेन से कॉल किया था उसके अकॉर्डिंग हमने रिटर्न वैल्यू को एक्स में एक्सेप्ट कर लिया है, और अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो वो परफेक्ट नंबर होगा, अदरवाइज वो परफेक्ट नंबर नहीं होगा। तो आइए इसको रन करके देखते हैं। आई हमने डिक्लेयर नहीं किया है, इंटीजर आई लिख लीजिए, बाकी सब कुछ ठीक है। तो हम सबसे पहले 6 को टेस्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि 6 इज अ परफेक्ट नंबर। एक किसी और नंबर को हम टेस्ट कर लें, लेट से हम 5, 7 को टेस्ट करना चाहते हैं कि ये परफेक्ट नंबर है कि नहीं, तो आप देख सकते हैं कि 7 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। तो आइए इसके बाद हम क्या करते हैं कि एक रेंज में परफेक्ट नंबर फाइंड करते हैं। तो रेंज में परफेक्ट नंबर को फाइंड करने के लिए इस परफेक्ट नंबर फंक्शन को हमें बार बार कॉल करना पड़ेगा। तो
हमने क्या कह दिया कि लेट से हमने एक रेंज अपने से मान लिया है, हालांकि आप इसको जनरलाइज खुद से बना सकते हैं. सो वाई फॉर इंटीजर आई इज इक्वल्स टू 1 to 1000, हमें सारे परफेक्ट नंबर्स फाइंड करने हैं. तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस इस परफेक्ट नंबर वाले फंक्शन को बार बार कॉल करना है लूप के अंदर. तो लूप के अंदर आपने परफेक्ट नंबर फंक्शन को कॉल किया विद वैल्यू आई, ये टेस्ट करेगा अगर एक्स की वैल्यू 1 होगी तो हम डिस्प्ले कर देंगे इस नंबर को, मतलब कि आई को हम डिस्प्ले करेंगे. और आई को डिस्प्ले करने के बाद हम न्यू लाइन में चले जाएंगे जिससे कि हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे क्या कि कौन सा परफेक्ट नंबर पहले है, कौन सा परफेक्ट नंबर बाद में है. एल्स की कोई कंडीशन एक्सपेक्टेड ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमें केवल परफेक्ट नंबर को प्रिंट ही करना है. तो आइए इसको रन करके देखते हैं. फाइन, इसमें एन यूजर का इनपुट एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एन की रिक्वायरमेंट है नहीं, आप यहाँ से हटा सकते हैं. तो आप चेक कर सकते हैं कि ये परफेक्ट नंबर है 1628496. अगर आप रेंज थोड़ा सा बढ़ा दें, जैसे आपने रेंज को रेंज में 10,000 कर दिया, तो एक नंबर मेरा परफेक्ट नंबर बढ़ गया, दैट इज 8128. तो हम लोगों ने एक रेंज में परफेक्ट नंबर फाइंड कर लिया है. रेंज जो आपने खुद से मांगा है, आप रेंज को यूजर से भी इनपुट करा सकते हैं, और फिर उस रेंज में जितने भी नंबर से उनको आप फंक्शन में कॉल करके टेस्ट कर सकते हैं कि क्या वो परफेक्ट नंबर हैं या नहीं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे.